Please do subscribe my channel for more interesting videos. हेलो एवरीवन, तो आज हम आए हैं मैदान में पेच लड़ाने। और आज जो है हवा की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि बहुत ही बेकार हवा थी। और ये कुछ मंजा जो है मैं दिखा रहा था यहाँ पे आपको, जो हम यूज कर रहे थे, एक मंजा मैं लेके आया था, उसका रिव्यू जल्दी आएगा, ठीक है। तो हम जो है लड़ा रहे थे, हवा बहुत कम थी, तो हमने सोचा तब तक छोटे छोटे पेच लड़ाते हैं जब तक हवा कम थी। और थोड़ी देर बाद हवा ठीक हो गई थी, तो हमारे करीबन 6-7 पेच लड़ गए थे अच्छे खासे। तो ये देखो यहाँ पे लड़ा रहे थे छोटे छोटे पेच, देखो आई होप ये मज़ा आएगा। और जिन लोगों को लॉन्ग पेच देखने हैं वो 3 मिनट के बाद देख सकते हैं, स्किप करके डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया ये काटेगा रेड वाला मौका लेके। और ये देखो स्पीड में एकदम निकाल दिया, पता हवा भी नहीं लगी ऊपर वाले को कि कैसे काटी। तो हम लोग मज़े ले रहे थे यहाँ पे थोड़ी देर। ये देखो नीचे से स्पीड में खींच मारी, काट दी पतंग। तो पेच तो जो है हमारे हुए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाए थे, टोटल 6 से 7 पेज ही हो पाए थे, क्योंकि हवा बहुत कम चल रही थी वहाँ पे, है ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं, हम लोगों को जल्दी आना पड़ा वापस। एक तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट, ये देखो गद्दा मारा। छोटे पेजों में आवाज़ बहुत तेज आती है पतंगों की स्पीड में। खैर तो बस अब हम देखते हैं लॉन्ग रेंज पेच। इसके बाद ये एक छोटा सा पेज है ये, यहाँ पे रेड वाली कट गई। हाँ तो अब देखते हैं हम अपने पेजेस जो हमारे लड़े थे वहाँ पे। ये हमारा पहला पेज है, ठीक है, 480p में देखिएगा आप। ब्लू कलर से लेफ्ट साइड से है, रेड कलर से नीचे वाली है राइट साइड से, ठीक है। ये बहुत बढ़िया पेज लड़ा था, बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी। और ऊपर वाला देखो चला हल्का सा, नीचे वाला ऊपर चला, ऊपर वाले ने स्पीड में एकदम गद्दा मारते हुए ले गया, हाँ नीचे वाला कुछ नहीं कर पाया, देख रहे हो खड़ा गद्दा क्या ताकत होती है इसकी, ठीक है। बहुत बेहतरीन पेज काटा है यहाँ पे अल्टीमेट तरीके से, मज़ा आ गया एकदम। ये नेक्स्ट पेज है, ये देखो उड़ा रहे थे, ये लड़ा रहे थे सौरभ। धूप एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेज़ थी इसलिए, और हवा भी नहीं चल रही थी, हवा चले तो मज़ा भी आया। ब्लू कलर से लेफ्ट साइड से, रेड कलर वाली राइट साइड से है। इसमें मैं जो है वीडियो बना रहा था, क्योंकि वीडियो जो है इन लोगों पे बनते ही नहीं है किसी पे। देखो नीचे से चला बंदा, और ये नीचे वाला अंदर चला थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बंदा और चला, नीचे वाला देखो खींच रहा है एकदम स्पीड से, ऊपर वाले ने मारा गद्दा और काट दी उसकी पतंग। अल्टीमेट पेज काटा है वो, उधर रचित लड़ा रहा था, रचित काट रहा था, दो पतंगे काट दी उन्होंने। अभी देखो हैरी पार कर रहा पतंग हमारी, एक हैरी की कट गई, एक सौरभ की कट गई है, तीसरा भी शायद यही लड़ाएगा।
अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत आगे एक दो अच्छे अच्छे पेज भी हैं। ये कोई नेक्स्ट पेज है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी किसकी पतंग है। इसमें जो ऊपर वाली पतंग है वो लेफ्ट साइड से है, और नीचे वाली पतंग जो है वो राइट साइड से है। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऊपर वाली पतंग लेफ्ट साइड से, नीचे वाली पतंग राइट साइड से थी। अब देखो ये भी रचित लड़ा रहा था, और यहाँ पे दोनों लोग देख रहे हैं, पेस सही कर रहे हैं एक दूसरे का कि किसको कहाँ पे लड़ाना है। और ये देखो इसमें, ये देखो चला एकदम से, उसने भी ऊपर की तरफ उठाई, बहुत चालाक है वो भी, डोर लगा के काटना चाह रहा था। लेकिन ये देखो अब थोड़ा सा अंदर चला, ऊपर वाले ने देखो गद्दा मारा, नीचे वाला कितना लेट हो गया देखो, है बहुत लेट में खींचा, आई कट गया। हाँ शायद इन्होंने थपकी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन थपकी हमेशा याद रखो कि जब ज़्यादा गैप होता है तो थपकी नहीं मारते हैं, गैप आपको कम करना पड़ता है थपकी मारने के लिए दोनों की पतंगों में, तभी थपकी काम करती है वरना नहीं करेगी। ठीक है, रेड कलर से राइट साइड से है नीचे से, और ऊपर वाली ब्लू कलर से लेफ्ट साइड से थी। ये देखो खेज मारी इसने, और ये उसने ऊपर से हल्का सा दिखाया हाथ की तरफ, उसकी खेज कम थी और ये काट लेगा पतंग को। आई होप आपको ये पतंगें दिख रही हूँ अच्छे से, मैंने पूरी कोशिश करी जूम करने की, थोड़ा सा पेज लंबा था। ये देखो हैरी ने पतंग काट दी। नेक्स्ट पेज, अब देखो ब्लू कलर से वो राइट साइड से है, और ऊपर वाली रेड कलर से लेफ्ट साइड से उड़ रही है। ये देखो नीचे वाला कितनी स्पीड में ले गया एकदम से, ये देखो तिरछा खींच रहा, और ये देखो ऊपर से वो कुछ नहीं थपकी मार रहे थे यहाँ पे। और बहुत ही भयंकर तरीके से खींच मार के ले गया वो स्पीड में, यहाँ पे ऊपर उठानी थी अपनी पतंग। अब देखो ये आखिरी पेज मैं लड़ा रहा था, मैंने सोचा मैं भी लड़ाता हूँ पेज, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सारे पेज लड़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेज हो नहीं पाए थे, 6 से 7 ही पेज लड़े थे हमारे। अब मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये रही दो पतंगें, इसमें से एक मेरी है, और एक पतंग जो है वो शायद गुड्डू भाई लड़ा रहे थे, ये लोग लेट आए थे काफ़ी। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पतंगें कौन सी हैं, ऊपर वाली पतंग मेरी है, हाँ ऊपर से है लेफ्ट साइड से, और ब्लू वाली राइट साइड से है। देखो कितना अंदर भर के आ गया, वही काम कर रहा है जो पहले वाले पेज में कर रहा था। देखो अब देखो मैंने देखो क्या करा, मैंने थोड़ा दबाया वो, उसने देखो ऊपर उठाया, और यहाँ मैंने भी ऊपर ही खींच दिया साथ साथ में, तुरंत जैसी डोरा लगा हल्का सा वो कट गया डोर लग के। तो ये करा जाता है जब कोई बहुत स्पीड में खींच मार रहा होता है, तो आपको भी उसी के साथ खींच मारनी होती है ऊपर, ये नहीं है कि ऊपर से नीचे मारोगे तो कट जाओगे, मौका देखा जाता है खींच मारने का सही। तो देखो आई होप आपको ये पेज पसंद आया हो, बाय बाय।